हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिस्टर जी इंडियन ब्लॉग। और आज हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए हमारे फ्रेंडों के साथ। तो ये देखिए, नैना के तो दांत ही दांत कर कर आ रहे हैं। ये देखिए हमारी फ्रेंड, यही काम करती है। तो हम सब जा रहे हैं आज अपने फ्रेंडों के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए। मड़की वाले, हेलो फ्रेंड्स, ये रही हमारी फ्रेंड्स राम से पूजा। और ये साड़ी है और हम जा रहे हैं आज कहीं घूमने के लिए सारी फ्रेंड मिल के। तो हम अपने घर से निकल चुके हैं और अब हम रास्ते में हैं और सारी फ्रेंड हमारी जो है आ चुके हैं। और ये है अंजू, ये चुप बैठती नहीं। और ये रीन है ना, ये देखो okay, ये फोटो खिंचाना है, इसको फोटो खिंचवाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमारी सारी फ्रेंड कितनी हुई है सारी। हरजीत दीदी देखो, हेलो बोलो। अभी सुन लता से तेरे से सेंड करा दूंगी, बाकी नाला तेरे। आपको मैं दिखाती हूँ बाहर का भी। अब हम दिल्ली से निकल के घूमने वाले हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं अंजू, हम बताओ ना कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बुलंदशहर, गांव हटोला। बुलंदशहर गांव हटोला जा रहे हैं सारे त्यागियों के गांव। तो सारी तैयार होकर आ रही है। ये देखो निवाड़ी जा रहे हैं, निवाड़ी हटोला। इसमें बोल, इसमें बोल कहाँ जा रही है? हटोला निवाड़ी। तो हम सब बता दिया हमारी फ्रेंडों ने आपको हम कहाँ जा रहे हैं, हटोला निवाड़ी जा रहे हैं। तो सारी आ चुकी है, जितने भी फ्रेंड है हमारी सारी आ चुकी है। और अभी टाइम जो है अभी कितना बज रहा है, कितना बज रहा है अभी ये देखना। टाइम अभी 10:30 के आसपास हो रहा है। हाँ, 10:30 के आसपास हो रहा है। तो अभी रास्ते में जाम भी बहुत सी लगी हुई है। दिखाती हूँ मैं आपको बाहर कितनी जाम लगी हुई है, दिखाती हूँ। हरजीत दीदी कुछ कह रही है, क्या कह रही है हरजीत दीदी? कह रही कि मुझे नींद आ रही है सर, देखते तो बोले कि मजे नहीं आए। कल में मर जानी है, इतने मुंह करके बोल।
तो हम जा रहे हैं आज, जो हमारे सीनियर हैं हमसे जो सीनियर है उनकी मम्मी की डेथ हो गई है, तो आज तो बहुत जरूरत की ना, 13 नहीं है तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं, तो सारे जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं सारे एक साथ होके जा रहे हैं यहीं पे, और आप जहाँ हम लोग चार फ्रेंड्स से मिल जाते हैं तो मस्ती तो होती ही है, तो बस मस्ती करते हुए जा रहे हैं ना? इसके बाद हम लोग मथुरा वृंदावन का प्लान बना रहे हैं, इसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि न्यू ईयर पे मथुरा वृंदावन जाए, और फिर हम जब अगर जाएंगे तो फिर वहाँ का भी दिखाएंगे आपको, तो दुआ करिए कि सब ठीक ठाक रहे और हम सब ठीक रहे, फिर हम जब जाएंगे तो आपको भी साथ लेके चलेंगे हमारे साथ साथ, पागलों की मस्ती को आप लोग भी इंजॉय करिए। जब भी बोलती है ऐसे बोलती है कभी, तो वाकई में फ्रेंड्स दोस्तों के साथ तो बहुत मजा आता है, जो तो ना फेसबुक पर उसको फोटो देंगे पूनम के, अरे भाग रहे हैं आगे, जैसे जैसे हम पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे बीच में हम आपको दिखाते जाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देख सकते हैं हम पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं और सारी फ्रेंड भी यहीं पे रुकी है, हमारी 3200 रुपये 400 और अभी कम से कम एक घंटे और लगेंगे पहुंचने में हमें, लेट तो हम पहले ही हो चुके हैं। देखिए यहाँ का व्यू, ये गांव साइड पर जाता है, और फ्रेंड्स हम आ गए हैं कच्ची सड़कों पे, और ये देखिए नहर चल रही है, गाड़ी हिल डुल रही है, तो कैमरे भी हिल रहे हैं, ये देखिए नहर चल रही है, अब हम आ चुके हैं भटोला गांव पहुंचने वाले हैं, हाँ सही में पैटर्न ही डाल रखा कैसे तुम्हें? हम लोग 9 बजे से बैठे हुए हैं गाड़ी में लगा दो इसे। और अभी एक बजने वाले हैं, हम लोग 9 बजे से बैठे हुए फ्रेंड्स, और अब एक बजने वाले हैं।
सड़क आ जाएगी, उस सड़क से निकल जाना, सीधी भटोल पहुंच जाओ। किसके यहाँ जाना है? त्यागी का गांव जाना है। अच्छा, त्यागियों के गांव जाना है। हाँ, त्यागो का गांव लगा और क्या, त्यागी ही बोलते हैं त्यागियों का। नहीं, त्यागो का गांव बटा हुआ है उधर, पंडितों का गांव बटा हुआ है। तो फ्रेंड्स, में भटोला त्यागियों के गांव जाना है। तो सीधा लगा तो फ्रेंड्स, हम लोग फिर से अभी खोए हुए हैं। एक बार की बात है दीदी, आपने फकर को घुमा दिया था, लेकिन शुक्र है गाड़ी में चलना नहीं पड़ रहा है। पहले नहीं पड़ रहा, पेट में पूरे जा रहे हैं, पहले नहीं पड़ रहा, पेट में चलते हुए चल रहे हैं हमारे। थोड़ा साथ कह दी ना पागल। तो अब सुन रहे हो, खाने की आदत पड़ रहे हैं सबके, और कल जाके सर डालेंगे मुंह में, सबके पेट में चूहे घुस रहे हैं। और और ये दिमाग खराब करी, जो बच्चे कुछ एनर्जी है वो भी खत्म कर रही है ये लोग, देखो ये सबसे खासकर देखिए कब तक पहुंचते हैं हम, पहुंच जाएंगे तो फिर दीदी बस रास्ते पे पूछते पूछते जा रहे हैं, अब पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। ये देखो सरलता बेचारी सूख गई है, भूख और प्यास की वजह से देखो और सूख गई, बेचारी पहले से ही सूखी थी और सूख गई। कोई बात नहीं, वहाँ पर पहुँच गया, दो दिन का खाना एक ही दिन पे खा लेंगे, ठीक है? आगे बेचूंगा, ठीक है?
और अब 5 मिनट से 10 मिनट है, ज्यादा दूर नहीं है। इनसे पूछ ले, पूछ एक बार। ये देखिए बस पूछ पूछ के अभी भी हम निकल रहे हैं, लेकिन ज्यादा दूर नहीं है। सीधे कहाँ जाए जी, आ गया सीधा जाने के लिए। गाड़ी खड़ी मिल जाएगी। अरे थोड़े से उधर बचा लूंगा मैं, नहीं जाएगी ना। बहुत टाइम निकल गया, इधर क्या इधर जगह नहीं है। हम लोग थक भी बहुत गए हैं, भूख भी सबको बहुत लग गई है, देख सकते हैं आप। चलो निकालो भी है, तो कर लिया आप लोग भी। क्या पता ताऊ खा के भी आ गया हो, हमारे लिए रुका है। ये वही जा रहा है, मुझे लग रहा है पहुँचने वाले हैं बस। नहीं शकल देख ली अपने यहाँ खड़ी है, यहाँ रुकी थी गाड़ी। ये नहीं था, ये नहीं था, ये दिल्ली की यूपी की। बोल दे पहुँच गई यार, ठीक है। You and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. ये देखिए जहाँ हम आए हैं वहाँ पे सब उनका बगीचा है और सब वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, कितना बन रहा है। यहाँ पे ये देखिए फ़ोटो खींचू, अच्छा ठीक। ये दीदी है जिनके यहाँ पे हम आए हुए हैं, तो ये देखिए अनीता दीदी, अनीता दीदी बोलो ना कुछ। हाय हाय बोलो ना। फ्रेंड्स आ चुके हैं हम यहाँ पे, देखिए कितने सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं इन्होंने, और इनके खेतों में जा रहे हैं हम देखने के लिए। ये देखिए गन्ने, गन्ने खा लो गन्ने। हाँ यहाँ पे गन्ने, कितने सारे गन्ने रखे हुए हैं, ये देखिए कितने सारे गन्ने रखे हुए हैं। अरे पैरों में जगह है नैना के। हाँ नैना के पैरों में जगह है। देखो अनीता दीदी कह रही है गन्ना ले जाओ, बेल लड़की खाती है, अंजू से बनाओ गन्ने। और ये देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ का, पूरा हरियाली ही हरियाली है। हाँ अच्छा बनता है ऐसे वाले का ही बनाते हैं मम्मी और मेरी, वो नहीं बनाती अलग। आपने बना के खाया कि नहीं कभी दीदी? मैं तो यार ऐसे मोटे गड्ढे वाले ही खाते हैं, मेरी मम्मी बनाते हैं और उसे छील छील के बड़े हिसाब से। खाना खा लिया? हाय बहुत अच्छा लगा घूमकर हमें। खाने खा लिया? हाँ आपने खाना खा लिया? हमने तो खा लिया। मैंने खा लिया। और कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया, एंजॉय। थक गए थे ना हम? तो फ्रेंड्स अब हम घर वापस आ रहे हैं, और ये गाड़ी में जो सॉन्ग बज रहा था ये डांस करिए बैठे बैठे, तो हमने बाहर की भी थोड़ी सी व्यू दिखा दी आप सभी को। शाम हो रही थी, सूरज ढलने वाला था, तो थोड़ा थोड़ा सा उजाला दिख रहा था, तो मैंने बना लिया वीडियो। और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।